ते फिर बिछड़ना जा सोच रही थी अब 12 तो नहीं बज गए। 12 बजे क्या है? तुम सोचती 12 बजे हो? यस, सुनने के नहीं। ओके 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 चलता। मियां बीवी जो है ना, वो घड़ी की दो सुइयों की तरह होते हैं। ओके। जब शादी होती है तो दे आर रियली क्लोज टू ईच अदर, मगर वक्त के साथ साथ बच्चे, जिम्मेदारियां, काम, तो वो एक दूसरे से दूर होना शुरू हो जाते हैं। मिडिल एज में तो बहुत दूर चले जाते हैं, जैसे 6 बज रहे हो, मगर आहिस्ता आहिस्ता जिम्मेदारियां कम होना शुरू हो जाती हैं, बच्चे अपने अपने कामों में मसरूफ हो जाते हैं, और वो बूढ़ा बूढ़ी दोबारा टुगेदर हो जाते हैं, जैसे दोबारा से 12 बज रहे हों घड़ी में, और मैं चाहती हूँ हमारी लाइफ में हमेशा से 12 बजे रहे। लेकिन पता है तुम्हें कुछ सरदार जी जीन्स है सही। मैं ये बोतल उठा के सर में मारूंगी। उसे कुछ नहीं होता, पता है? फौजी के सर में चोट लगने से कुछ नहीं होता। तो फिर मैं गिट्टे पे मारूंगी। ओए, गिट्टा नहीं, इस पे चोट लगती है। यादें तेरी आके मेरा मनवा जलाए, होंठों की दुआएं तो है पिया को बुलाए, तेरे बिना कैसे अब तन्हा रहूं मैं, दर्द ये सारा कैसे तन्हा सहूं मैं, याद तेरी आई सारा सब्र भुलावा, याद तेरी आई सारा सब्र भुलावा, दर्द ये कैसे मैं छुपावा, ये नैना असद, आप ये ढूंढ रहे थे? Exactly, मैं ये ढूंढ रहा था। Thank you यार। असद, आप मेरे बगैर कैसे रहेंगे? मैं आपके बगैर नहीं रहूंगा। असद, आपने कभी किसी को गोली मारी है? यार देखें, मुझे तो ये चलानी भी नहीं आती। मैंने तो मैक्सिमम जिंदगी में कभी किसी को आंख मारी है। और वो किसको? आपको। देख, टेंशन नहीं खानी, मैं सिर्फ टेबल के पीछे बैठ के पेन पुश करता हूँ। सो यू रिलैक्स, कुछ नहीं होता मुझे। बाय, टेक केयर।
और वही स्पून वो जो उस डब्बे में। ठीक है भाभी। असद भाई आपको किसी वक्त भी कोई परेशानी हो